अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू STW। दोस्तों, आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट्सएप के बारे में एक नई अपडेट। जी हाँ, व्हाट्सएप के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जी दोस्तों, बात करते हैं व्हाट्सएप की नई अपडेट के बारे में। अभी तक यही था कि जब हम व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते थे तो हमारे सेट पे, हमारे मोबाइल पे, हमारी डिवाइस पे वो प्ले होता था। लेकिन अब नई इनोवेशन क्या आ रही है, जिस तरह हर सॉफ्टवेयर में या हर इंसान, हर इदारा अपने इनोवेशन लेके आता है ताकि वो कस्टमर के लिए आसानी पैदा करे और वो अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए बेहतरी लेके आए। तो इसी पॉइंट से व्हाट्सएप ने बहुत ज़बरदस्त एक फीचर जारी करने जा रही है। वो है किसी भी डिवाइस पे जाके व्हाट्सएप का लॉगिन होना। जी हाँ, अब ये मुमकिन हो सकेगा क्योंकि व्हाट्सएप ने बकायदा उस पर अनाउंसमेंट कर दी है। जिस तरह आप लोग फेसबुक, लिंक्डइन या कोई भी दूसरी एप्लीकेशंस हैं, दूसरी डिवाइस पे भी जाते हैं, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड देते हैं और उसके बाद आप उसको यूज़ कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप ऐसे नहीं था लेकिन अब होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली लाइक और शेयर लाजमी करें और फीडबैक भी दें कि ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।